नवोदय पूजनीय भिक्षु संघ तथागत गौतम बुद्ध के सभी शिष्य, हमारे भाई बहनों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा चंद्रभान भाई साहब जी को। इस देश में हर गांव में बिहार थे, लेकिन काल परिस्थितियाँ ऐसी आई तो बिहार जो है दूसरे संस्थानों में परिवर्तित हो गई। इस गांव में दूसरा बिहार है। पहले बिहार का जब उद्घाटन हुआ था उस समय भी मैं आया था। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि बिहार बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम धर्म नहीं मानते थे? हम लोग धर्म मानते थे, हम लोग कथाएं भी करते थे, भागवतें करते थे, हम लोग मंदिर भी बनाते थे और स्नान करने भी जाते थे, हम लोग बाबा भी बनते थे और निरे भगवानों को मानते थे। निरे भगवान करोड़ों की संख्या में मानते थे, लेकिन ऐसी जरूरत क्या पड़ी कि करोड़ को तो मैंने एक तरफ कर दिया और एक भगवान को यहां लेके आया? करोड़ की पूजा की, अगरबत्ती, मोमबत्ती, मिठाई, पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, रबड़ी सब खिलाया, मंदिर भी बनाया, कितने का? करोड़ों का। फिर उनसे मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ? प्रश्न ये है, क्या गारंटी है कि आज एक भगवान बुद्ध और आ गए? अगर इनको भी आप अगरबत्ती, मोमबत्ती, हलवा, पूड़ी, लड्डू खिलाइएगा तो क्या आपका कल्याण करेंगे? क्यों? फिर तो 33 कितना है? 33 करोड़ एक भगवान हो गए इस गांव में। फिर क्या हुआ? एक भगवान बढ़ाई दो, तुम्हारा कल्याण कहाँ हुआ? क्यों? भगवानों की गलती थी, देवी देवताओं की गलती थी या मेरी गलती थी जो मेरा विकास नहीं हुआ? हम अशिक्षित हैं, हम गरीब हैं, हम कमजोर हैं, हम अधिकारहीन हैं। किसकी गलती थी? भगवानों की गलती थी या हमारी गलती थी? तो हमारी क्या गलती थी? मेरी ये गलती थी कि मैंने किसी भगवान की शिक्षा को नहीं माना, नहीं जाना, अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग नहीं किया। ये मेरी गलती थी। आज बंते जी ने अभी प्रचार किया, लंबे सूत्र पाली के कहे जो भगवान बुद्ध ने के मुंह से थे और उसका अर्थ भी लंबे समय में बता दिया कि क्या करना चाहिए, जीवन को कैसे बदलना चाहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि भगवान बुद्ध को लड्डू पूड़ी हलवा खिलाते रहिएगा, आपके दिन नहीं बदलेंगे। और मैं डबल गारंटी के साथ कहता हूं, कभी लड्डू पूड़ी हलवा मत खिलाना। इनकी जो शिक्षा है, इनकी जो शिक्षा है उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर लेना तो क्या होगा? आपका कल्याण हो जाएगा। आपको मालूम हो कि जब इस देश से भगवान बुद्ध गुजर गए उसके 250 वर्षों के बाद ये संस्कृति भारत से श्रीलंका जाती है। उस समय श्रीलंका में क्या होता था? सिर्फ मछली पकड़ करके खाना और नारियल और चावल, इसी से जीवन यापन करना। लेकिन जैसे ही वहां भी धर्म था, वहां भी बाकी भगवानों को मानते थे, लेकिन जैसे बुद्धिज्म गया, वहां बुद्ध की शिक्षा गई, उस देश ने क्या काम शुरू कर दिया? चित्त से, दिमाग से, शिक्षा से क्या किया? देश को बदल दिया। आपको मालूम हो कोरिया, जापान, तिब्बत, तिब्बत में क्या होता था? तिब्बत में एक नालंदा का विद्वान गया वहां। उससे पहले जब नालंदा, जब तिब्बत में धर्म गया तो उससे पहले वहां तो कुछ न कुछ मान्यताएं थी, हर देश में थी। तो वो मान्यताएं वहां की वहां छोड़ दी और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं थी वो उन्होंने क्या किया? वो पकड़ ली और तिब्बत क्या हो गया? गुरु बन गया। आज क्या है, पूरी दुनिया का गुरु कौन सा देश है? जैसे भारत विश्व गुरु था, आज पूरी दुनिया का गुरु कौन है? परम पावन दलाई लामा जी। कहाँ पैदा हुए?
तिब्बत, तिब्बत का आदमी विश्व का गुरु है। एक व्यक्ति नालंदा विश्वविद्यालय का चाइना गया, साधु था इसी तरह का सन्यासी, पढ़ाई करके चाइना चला गया और चाइना का राजा परिवर्तित हो गया। क्या राजा धार्मिक नहीं था? इससे पहले धार्मिक था वो, उस वहां भी मान्यताएं थी, वहां भी संस्कृति थी, वहां भी कल्चर था। लेकिन क्या होता है कि वो उस सन्यासी, वो भिक्षु को लेकर के परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तित हो जाता है तो अपने देश, उसका पूरा देश परिवर्तित हो जाता है। भगवान बुद्ध की शिक्षाओं की तरफ चला जाता है, वहां से कोरिया में चला जाता है, फिर जापान में जाता है। आज की स्थिति क्या है? इस हमारे देश में बुद्ध की शिक्षाएं पैदा हुई। ये फार्मूला कहां पैदा हुआ? भारत में पैदा हुआ। और अप्लाई कहां हो रहा है? जापान में, कोरिया में, चाइना में, श्रीलंका में, थाईलैंड में, बर्मा में। ये देश अब गरीब नहीं है, अशिक्षित नहीं है, कमजोर नहीं है, इतने इतने से देश हैं। हमारे उत्तर प्रदेश कितना बड़ा जापान है। और अमेरिका और जापान का युद्ध चला तो अमेरिका के दांत खट्टे कर दिए। अमेरिका को ये लगा कि अब तो मैं गुलाम हुआ जा रहा हूं जापान का, तो परमाणु बम गिरा दिया। दुनिया का पहला देश है जापान जिस पर परमाणु बम गिरे एक नहीं दो दो। और दुनिया का पहला देश है अमेरिका ताकतवर जिसने डर से परमाणु बम जापानियों पर गिराए। तो किसकी शिक्षा थी उस समय? क्या था? एक भिक्षु युद्ध के मैदान में तोप चला रहा था अमेरिका के खिलाफ। पत्रकार ने जाकर के पूछा कि तुम तो पढ़ाते पाता बेरमणी शिक्षक सिक्का पदम समाधियामी का पालन करते हो, बुद्ध के शिष्य हो, तुम क्या कर रहे हो? ये बम चलेगा तो आदमी मरेगा। उन्होंने कहा देश की रक्षा के लिए नहीं, देश की रक्षा के लिए अगर उधर से बुद्ध भी आते हैं तो तोप तो चलेगी। इसलिए अपने कर्तव्यों के लिए, अपने किसके लिए? कर्तव्यों के लिए आपको क्या करना हो? पूरी ताकत से यत्न करने होंगे, शिक्षा को दिमाग में रखते हुए। आपकी दरिद्रता, गरीबी, ईर्षा, वैमनस्यता, द्वेष, क्रोध कहां से पैदा हो रहा है? हमारे मन में पैदा हो रहा है। क्यों मन में पैदा हो रहा है? क्योंकि मेरी संस्कृति ही ऐसी है। हम उस कल्चर में पले हैं, पड़े हैं जहां नफरत ही नफरत है। नफरत किससे दूर होती है? अशिक्षा किससे दूर होती है? शिक्षा से। बुद्ध ने कहा कि क्या कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि। किसकी शरण में जाना है? बुद्धि की, विवेक की। बुद्धि विवेक कहाँ है? एक व्यक्ति पैदा हुआ, घर से निकला, 6 साल तपस्या किया, उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, उसको क्या कहा गया? उसको बुद्ध कहा गया। इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम सबको मिलकर के बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना है और बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके अपने आप को परिवर्तित करना है। होता क्या है कि हम बिहार बना लिए फिर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत आवश्यक है कि यदि आप अपने दिनों को बदलना चाहते हैं, आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, अपने गांव को बदलना चाहते हैं, अपने देश को बदलना चाहते हैं, तो आपको वो विज्ञानवादी शिक्षाएं लानी पड़ेगी। और विज्ञानवादी शिक्षाओं का जब तक इस देश में रहा, दीपक जलता रहा, तब तक ये देश क्या कहलाया? विश्व गुरु कहलाया। और क्या कहलाया? ये देश सोने की चिड़िया कहलाया। कब? जब इस देश में क्या 5 चीजें नहीं होती थी। 5 चीजें जानते हो कौन कौन सी? हिंसा नहीं होती थी, इसमें चोरी नहीं होती थी, व्यभिचार नहीं होता था, झूठ नहीं बोला जाता था और नशाखोरी नहीं होती थी। उस समय का ये देश, घर में ताले नहीं लगते थे। जनरल नॉलेज में है ना, कौन सा देश है था जिसमें ताले नहीं लगते थे? वो उस भारत है। चोरी का भय नहीं था, लोग घरों में ताले नहीं लगते थे। तो ऐसी संस्कृति को हमने खो दिया, कहां? अपने ही हाथों से और अपने ही मुल्क में। और उस संस्कृति को कौन ले गया? दूसरे दूसरे का देश का लोग आकर के यहां पढ़ाई किया और पढ़ाई करके संस्कृति को अपने देश ले लिया। आज आवश्यकता किसकी है? आज आवश्यकता है पुनर्जागरण की, पुनः हमारी अपनी संस्कृति, इतिहास और कला को फिर स्थापित करने की। क्योंकि कल्याण यही से हो सकता है, यही शिक्षा है। जहां हम धर्म कहते हैं वहां हम थोड़ा अपराध करते हैं। भगवान बुद्ध को या बुद्ध को धम को धम मान लिया, इनको भगवान मान लिया, कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध की शिक्षाओं को शिक्षा मानो।
बुद्ध को महामानव मानो, बस इतने से ही कल्याण होने वाला है। दुनिया की होड़ में बहुत सारे धर्म है, धर्मों ने तो ऐसी स्थिति कर दी है। इसलिए जब हम भारतीय लोग भगवान भी कहेंगे और बौद्ध धर्म कहेंगे तो निश्चित वैसे ही होगा जितना हम देखते चले आ रहे हैं। इसलिए आवश्यकता है भगवान की जो बुद्ध की शिक्षाएं हैं उसे हम शिक्षा मान करके अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करें। बुद्ध विहार में आप होता क्या है, पहले तो किसी मेहमान को बुलाइए मत, अगर बुलाया है तो बिठाइए, टाइम से चाय पिलाइए, पानी के लिए पूछिए, उसको बिस्तर दीजिए, उसको आदर सत्कार दीजिए और उसको विदा कीजिए, अगर बुलाया है तो। नहीं बुलाया है तो कोई बात ही नहीं है। अगर भगवान बुद्ध को आप लोगों ने बुला लिया, दरवाजे पर बैठा लिया, तो अब आपको ऐसे करना पड़ेगा जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी आकर के यहाँ बैठे हों। अगर ये भाव और ये श्रद्धा होगी तो पिताजी तो ये कह देंगे बेटा जा रहे हो जाओ, किसी से झगड़ा मत करना, निश्चित ही हर माँ बाप कहती है झूठ मत बोलना, कहीं चोरी मत करना। तो जब तुम यहाँ से निकलोगे तो चित्त में आएगा ना कि हमारा पिताजी दादा परदादा यहाँ बैठा है और वो कह रहा है कि तुम कहीं भी चले जाओ ये पांच चीज़ें मत करना। अगर ऐसा मूर्ति को देखते ही ये भाव तुम्हारे मन में अगर आते हैं तो समझ लीजिए सार्थक है इनका विहार बनवाना और सार्थक है आपको बुद्ध की शिक्षाओं को मानना। क्या बात है भैया, बंदे ही करने वाले हैं, कोई बात ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो मूर्ति जो है कहीं पत्थर था जिस पर शेर चीते जानवर घोड़ा गधा बिल्ली पैर रख रख के निकल रहे होंगे। फिर ये किसी वर्कशॉप में आ गया तो जिस पर वो पत्थर मूर्ति बनाने वाले लोग इसके ऊपर बैठ के, इसको नीचे बैठ के, इसको पैरों से दबा करके इसकी कटाई छटाई किए होंगे। फिर उसका एक सेफ निकाल लिया बुद्ध की तरह, तो फिर वो यहाँ आ गई और आज विधिवत इस समाज के लोगों ने मान लिया कि ये बुद्ध है। क्या मान लिया आप लोगों ने कि ये बुद्ध है और इसमें ये शिक्षाएं हैं, तो आज से बुद्ध ही हो गया। अगर ये वर्कशॉप में पड़ा रहता तो हजारों साल तक ये बुद्ध, ये पत्थर बुद्ध नहीं होता। लेकिन आज ये प्रतिष्ठा हुई, इसने लोगों के सामने ये साक्षी मान करके सिद्ध कर लिया गया कि वही उसी व्यक्ति की ये फोटो है जिसने ये शिक्षाएं दी थी। और जब आप यहाँ से निकलोगे तो मन में यही बात आएगी कि ये वही व्यक्तित्व है जिसने ये शिक्षाएं दी थी और ये शिक्षाएं जिसने धारण की हैं उनका कल्याण हुआ है। तो ऐसी भावना के साथ बिहारों में जाना, बिहारों को जाकर के कहीं किसी मंदिर के, दुनिया के मंदिर में अगर भगवान है तो शक्ति नहीं है उसने, लेकिन उसके उसकी शिक्षा में ताकत है। उसकी शिक्षा की क्या कर सकती है, आपके जीवन को बदल सकती है। ये भगवान बुद्ध के सामने रखा हुआ लड्डू कौआ भी उठा के ले जा सकता है और कुत्ता भी ले जा सकता है, इसमें दम नहीं है, लेकिन इसके शब्दों में इतनी शक्ति है कि दिल को रात जैसा हो जाए। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और पुष्पेंद्र को। पुष्पेंद्र हमारा कुछ साल पुराने से मेरी मित्रता है, तब से ये लगे थे। तो ये मूर्ति बनते ही कहाँ कृष्ण जी है, ये हमारे गुरु जी हैं ओबली के हैं। ये साउथ में एक बिहार है, उसके जब इन्होंने हमसे निवेदन किया तो हमने अपने मित्र लोगों को निवेदन किया कि ऐसे ऐसे बिहार बन रहा है, तो उन्होंने इस मूर्ति की को दान दिया जिसमें उसका नाम भी लिखा हुआ है। तो धन्यवाद उनको भी देते हैं जिन्होंने ये मूर्ति हमारे गांव भेजी है। धन्यवाद आप सब लोगों को, स्पेशली आपको, जैसा कि बंते जी ने कहानी सुनाई कि जमीन नहीं थी, सोना बिछा करके राजा की जमीन ली और बिहार बना करके भगवान बुद्ध को दान किया, संघ को दान किया, वो इतिहास बन गया। आज उसका पूरे संसार में नाम लिया जाता है। जहां आपने बिहार बनाया हो सकता है एक कई सौवां बिहार रहा हो, मेरी परंपरा रही है इस देश में बिहार बनाने की, तो इस गांव में आप दूसरे व्यक्ति हैं जो फिर वो कल्चर हजारों साल के बाद यहाँ लेकर के आ पाए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप सब लोग सुखी रहें
और आपको आमंत्रित करता हूँ, समय मिले तो आप लोग संघ की सहाय आइए। इसके साथ साथ